स्मगलर ही आते हैं रात में, और कोई नहीं आता। वो क्या करते हैं, आएगा 10-15 गोरु पार करा देगा। ये है बांग्लादेश और ये है इंडिया, ठीक है। तुम्हारा वीडियो देखो तो रोज। इतना दिन हो गया वीडियो नहीं डाला, वीडियो नहीं डाला। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वणक्कम अस्सलाम वालेकुम केम छो वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल। होप करते हैं वीडियो का जब सामने वाला पार्ट होगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे पीछे जो मेस है इस पे मत जाओ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो फटाफट रेडी तो मैं हो ही चुका हूँ, तो फटाफट मेरे सब सामान लेते हैं और निकलते हैं। The new normal. By the way, light pe aja. By the way, these are my new Rhinox masks with 9-layer protection. Also, the masks are very soft. I mean, मैंने बहुत सारे मास्क देखे जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये ऐसा मास्क है जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता। एंड 9-layer, कैन यू बिलीव दैट, 9-layer प्रोटेक्शन। फ्रॉम माई व्यूअर वॉन्ट टू बाई दिस मास्क, there will be a link in the description. look at the weather man, ye aisa hi to weather chahiye perfect ride ke liye। सच्ची बताऊँ ना, जब जितनी बार मैं बाइक को चलाता हूँ, हो सकता है 3 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन जितनी बार भी मैं इस बाइक को चलाता हूँ मेरे को मज़ा आ जाता है। ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क का मैं पागल दीवाना हूँ। अभी तो थोड़ा जैम मिलेगा क्योंकि पीक टाइम है टाउन में, लेकिन हम जहाँ पर जाने वाले हैं वहाँ पर जैम नहीं होगा शायद। तो हाजी भैया, तो कोई चेंज नज़र आ रहा है क्या? गेस कीजिए, कुछ ना कुछ तो गेस कीजिए। चलो गेस करने के लिए आप लोगों को 1 सेकंड देते हैं। कैमरा एंगल इस फ्रेम को पॉज करो और देखो क्या डिफरेंस है प्रीवियस फ्रेम से और इस फ्रेम में, क्या डिफरेंस है। गेस कर लिया? सो दीज आर माई न्यू ग्लव्स फ्रॉम Rhinox।
तो अभी आप लोग बोलो कि भाई न्यू ग्लव्स लिया और अनबॉक्सिंग नहीं किया, अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं दिखाया, तो फटाफट हो गया अनबॉक्सिंग चेक कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। फाइनली द बॉक्स इज हियर। आप मेरी चेहरे पे खुशियां देख सकते हो, काफी एक्साइटेड हूँ इस बॉक्स को खोलने के लिए। इवन चाकू भी नहीं मिला, फिर भी मेरे को इसको खोलना है। अभी अभी डिलीवर हो और अभी खोलेंगे इसको। यहाँ से खोलते चलो। अनरैप करते हुए डालते हैं। आह एक साथ नहीं आया। हाँ फाइनली नशा है। करक। सो दीज आर माय न्यू राइनॉक्स इवो 2 ग्लव्स फुल गॉन्टलेट। ये भाई नॉट जस्ट द प्रोटेक्टर्स, द होल ग्लव इज सी सर्टिफाइड, इंक्लूड्स 15 डिफरेंट टेस्टर्स। सो इन दिस पाम एरिया यू गेट नॉक्स SPS सिस्टम विच इज स्कैफोल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम। चेक कर लिया। एक दो वीक में हम लोग निकलने वाले हैं अपने राइड के लिए। अभी क्योंकि विंटर का सीज़न है तो काफ़ी ख़तरनाक वाला राइड होने वाला है, तो इसके लिए तो ग्लव्स ज़रूरी था ही, तो इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर ही लेते हैं। তোমার ভিডিও দেখো তো। ও ভাই আ চারো তারি হরিয়ালি হরিয়ালি হ্যায়। हेलो सर। तो यहाँ से आप लोगों को स्टोरी समझाने की जिम्मेदारी मेरी। हम लोग जब वहां पर पहुंचे थे, एक आर्मी ऑफिसर ने हम लोगों को बुलाया। उन्होंने हमसे पूछा क्या करते हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है यहाँ पर। ऐसे बातचीत चलती गई, बहुत देर तक बातें चली। ये होता है ना, जब आप अननोन पर्सन से बहुत देर तक बात करते हो तो एक माहौल बन जाता है। तो उस माहौल में मैंने भी सर के पूछा, सर आप कहाँ से हो, लास्ट कब घर गए थे। तो सर ने हमें सब बताया, सर कितना देर तक ड्यूटी करते हैं वो भी बताया। कल पूरा दिन इधर ही ड्यूटी था, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक यहीं रहा हूँ इसी हालत में। उसके बाद रात में 12 बजे से 6 बजे, तो कितना हो गया, 12, 6, 18 घंटे और 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटी। समझ सकते हो, 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटी करता है हमारे देश के जवान। और सर का फेस मैंने इसलिए ब्लर किया क्योंकि सर को मैंने बोला था कि सर ब्लॉक पे आइए, तो सर ने बोला नहीं। अगर आप लोग कहीं पे जाते हो, अगर कोई पर्सन बोलता है कि भाई मेरा फेस मत ले, तो नहीं लेना। आप लोगों को भी सामने वाले बंदे का डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस ऐसे ही तो बनती है, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट कमाओगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं भी किसी जगह पे जाओ और आप लोगों को कोई ऑफिसर मिल जाता है या फिर जवान मिल जाता है, तो उनसे बात जरूर करना, बहुत अच्छे होते हैं दिल के। बात करना, घर कहाँ पर है, लास्ट कब घर गए थे,
कैसा होता है यहाँ का माहौल, ये सब जरूर पूछना, हालचाल जरूर पूछना। मतलब हम लोग वो नहीं मानते हैं। नहीं सर, ये तो अपनी ड्यूटी, ये तो सैल्यूट है आप लोगों का, सिविल लोगों के लिए आप लोग इतना ड्यूटी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन। ये सोच लेते हैं पता है हमारे जो मन की भावना है, आप लोग ये सोच लेते हैं कि यदि मैं घर में होता तो हमारी भी माँ है, हमारी भी माँ ठीक है ना, माता पिता जी हमारी वहाँ रह के मैं एक की सेवा कर पाता, यहाँ तो हम माँ भारती की सेवा कर रहे। बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या बताया सर? यादव जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सिर्फ यादव जी को नहीं हमारे देश के सारे जवानों को एक बिग सैल्यूट, क्योंकि देखो वो लोग वहाँ पर है तभी आप लोग अपने घर पे सो सकते हो, आपका भाई यहाँ पर वीडियो बना रहा है सिर्फ उन लोगों के खातिर, अगर वो लोग नहीं होते तो हम। अभी मैं जाता हूँ, आप लोग आगे कंटिन्यू करें। ऐसा है ना, रात में अच्छा आदमी रात में आएगी क्या है, क्यों आएगा? वो ही होगा कि नंबर दो का होगा, उसको कुछ स्मगलिंग करना होगा, गुरु गुरु पार करना होगा। आप सुनते भी नहीं कि किसके लिए आता है भाई, वो बताता है स्मगलर ही आता है रात में और कोई नहीं आता। वो क्या करता है, आएगा 10-15 गुरु पार करा देगा। तो हाजी भाई, यहाँ अभी हम हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो अभी आप लोग देख सकते हो गे, ये है बांग्लादेश और ये है इंडिया, ठीक है? तो अभी अगर कुछ देर कुछ कदम की दूरी पे है बांग्लादेश, ये है हमारा साइड का इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। और सर के लिए, सर थैंक यू सर, बाय द वे हिज नेम इज ड्रीम चेजर, यू कैन फॉलो हिम इन ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर कहीं पर लिंक आना होगा, एंड मेरे को भी फॉलो कर लेना ब्रो। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो मैं वो नहीं दिखाने वाला क्योंकि सेम ही रोड है। इस ब्लॉग के ही पे एंड कर देंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू गिव ए बिग फैट थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड या मेक फैमिली बिगर एंड बिगर, लेट्स गो।